महासंग्राम दास्तान है एक ऐसी लड़ाई की जिसमें न भाले चले, न तीर, न तलवार, न बंदूक, न तोपें। हाँ, मगर दुदंभी जरूर बची और इस दुदंभी का कुरुक्षेत्र बना अलवर जिले का एक छोटा सा गांव। इस महासंग्राम के सरगना और सिपाही बने गणतंत्र के भोले भाले, कमजोर, गरीब मगर हिम्मती और बुलंद इरादों वाले गांववासी और उनके कुछ साथी। स्वीडन से आई पत्रकार एलेना राजस्थान में कार्यरत तरुण भारत संघ के नेता राघवेंद्र की जीवन कथा सुनती है। बचपन में राघवेंद्र का मित्र गोपाल उससे बिछड़ जाता है। राघवेंद्र की शादी अनपढ़ लड़की मीरा से कर दी जाती है, पर मामी के समझाने पर वो उसे स्वीकार कर लेता है। वो गांव छोड़कर जयपुर में प्रौढ़ शिक्षा विभाग में नौकरी कर लेता है। एक बार फिर गोपाल उसे मिलता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ पिछड़े गांव में साक्षरता के लिए काम कर रहा है। बीमार गोपाल को राघवेंद्र अपने घर ले आता है। गोपाल मीरा को पढ़ने की प्रेरणा देता है। अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती है। और अब आगे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की है, प्रॉपर्टी अपन को। जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। देखिए हम आपके पड़ोस में रहते हैं, वो शर्मा जी है ना, उनके किराएदार हैं। बैठिए। देखिए ये फोन कर दीजिए आप। हाँ लीजिए, फोन कीजिए। नहीं हमको ये सब आवत नहीं है, आप खुद ही कर दीजिए। अच्छा नंबर दीजिए उनको। ये लीजिए नंबर। हेलो, लो बात कीजिए। रिसीवर को भाई सीधा पकड़िए आप, इस फोन को सीधा पकड़िए। देखिए हम नहीं बोल सकते हैं, आप बात कर लीजिए। हाँ क्या बोलना है? उनको बोलिए गोपाल भैया की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। किसको बोलना है? हमारे पति हैं, राघवेंद्र बाबू। हेलो सर। हाँ राघवेंद्र बाबू को आप ये बोलिए गोपाल भैया की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनकी मिसेज बोल रही है। उनको बोलिए सब काम छोड़ के तुरंत घर आ जाए, हम बहुत घबरा रहे हैं। सर उनकी मिसेज बहुत घबराई हुई है, आप उनको तुरंत भेज दीजिए। हाँ सर तुरंत भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तुरंत ही आ रहे हैं? हाँ उनको बोल दिया तुरंत आ रहे हैं, ये लीजिए आप बता। अच्छा, अच्छा बेटे बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा बेटे। भाई आपके इतना कहने भर से कि मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, आप ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना? अरे इसके लिए अपनी भागदौड़ भी तो बंद कीजिए। आप मेरी भागदौड़ के पीछे क्यों पड़े हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, भाई साहब तो हो क्या है? अरे आप उनको समझाइए, उनको अभी बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है, उनकी कैंसरस ग्रोथ लीवर तक पहुंच गई है। गोपाल बीमार जरूर था लेकिन उसका इरादा एकदम पक्का कि वो अपने ज्ञान गंगा मिशन को पूरा किए बिना इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएगा। विकास के नाम पर चल रही आंधी के बीच वो हवा के ताजे झोंके की तरह अपना नया नजरिया लेकर लोगों के मनों में बस जाना चाहता था। ऐसा लगने लगा एलेना कि उसने तय कर लिया है कि वो अपने लोगों के और अपने समाज के प्रति फर्ज को पूरा किए बिना कहीं नहीं जाएगा। उसने जाने की तारीख भी तय कर ली थी। देखो दोस्तों अब जाने के प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। क्या मतलब भाई साहब? पहले आप ठीक तो हो जाइए, बाकी प्रोग्राम बाद में बनता रहेगा। मेरे ठीक होने या ना होने से इस बात का क्या संबंध है? जिस दिन जाने की तारीख तय हो गई है उस दिन जाना ही है। अरे ये तो अच्छी कॉमेडी रही, भाई साहब हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम हंसेंगे नहीं। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सख्त अफसोस है कि तुम लोग इतने दिनों से मेरे साथ काम करने के बावजूद भी तुम लोग अपने निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ सके हो। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है जो एक दूसरे का आसरा ढूंढ रहे हैं? इस तरह करते रहेंगे तो काम के अंजाम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों को नहीं जाना है तो मत जाइए,
मेरी बीमारी का कारण क्यों बताते हैं? मैं जानता था, मालूम था आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। जाने का प्रोग्राम बिल्कुल पक्का है। आप लोग नहीं भी जाएंगे तो मैं अकेला चला जाऊंगा। चलो। गोपाल, तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। जाने से पहले मैं बहुत कुछ कर लेना चाहता हूँ। गोपाल, अव्वल तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा गोपाल, मान भी लिया जाए कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गांव में काम शुरू करके तुम चले जाना चाहते हो, उससे क्या होगा? एक गाँव में कुछ लोगों की मदद करने से क्या तुम्हारे मिशन की कामयाबी मानी जा सकती है? राघवेंद्र, इस दुनिया में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं ना, उनकी बुनियाद में छोटी सी चिंगारी होती है। गंगा कहाँ से निकलती है जानते हो? गोमुख से। जहाँ से वो चलती है वहाँ से छोटी सी धारा होती है, लेकिन बाहर आते आते बड़ी नदी और फिर दरिया बन जाती है। लेकिन उस बियाबान, उजाड़ और बंजर जमीन पर जाकर तुम क्या कर लोगे? जिस गाँव में जाने का हमने फैसला किया है, उस गाँव के रास्ते में एक मंदिर है। कहते हैं एक ऋषि ने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी, तब वहां घना जंगल था, आज पूरा का पूरा शहर है। उसी शहर से 50 किलोमीटर दूर वो गांव हमने इसलिए तय किया है, इसलिए चुना है क्योंकि वहां के लोगों को हमारी सख्त जरूरत है। वही मेरी कर्मस्थली है, जहां से मैं अकेला चलूंगा, लोग अपने आप साथ जुड़ते चले जाएंगे। अभी भी दर्द तो कंटिन्यूस होती होगी ना? होती है डॉक्टर साहब, अभी भी हो रही है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हाँ, धीरे धीरे तो बढ़ेगी, कोशिश करते हैं सबसाइड करने की। आप क्या कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब, आप मुझे ठीक नहीं कर सकते और मैं मिशन पर नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा मजाक है कि ये बीमारी मेरे शरीर को ही नहीं फेल कर रही है, बल्कि मेरे मिशन को भी फेल कर रही है, मेरे दोस्तों के रास्ते में आ रही है। वो लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं इस बीमारी से लड़ता रहूंगा। एक मोर्चा दूसरे मोर्चे पर हावी हो रहा है। मिस्टर राघवेंद्र, हमें नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल बजट तुरंत सबमिट करना है, आप ये फाइल लीजिए और एस्टिमेट बनाइए। लेकिन सर, मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले लोगों का सामाजिक स्तर, उनकी आर्थिक स्थिति और वर्तमान में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का मैं स्वयं जाकर सर्वेक्षण करूं। उसके बारे में मैं डाटा इकट्ठे करूं, उन्हें पढ़ूं और उसके बाद ही मैं आपको बजट का एस्टीमेट दूं। Why are you wasting your time? आप ऐसा करो, पिछले साल का बजट निकालो, उसमें 20% बढ़ाओ और एस्टीमेट बना दो, दैट्स ऑल। लेकिन सर, आई कांट ट्रस्ट ऑन द लास्ट ईयर बजट रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कि मैं इस क्षेत्र का दौरा खुद करूं और इनका सर्वेक्षण करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचूं कि इस प्रोजेक्ट में कितना रुपया चाहिए होगा, क्योंकि सर सरकार द्वारा रुपया जो मिलता है अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। और अगर बजट हमने टाइम पे सबमिट ना किया और बजट लैप्स हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर होगी? सर, आप चाहे तो अपने उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आपसे सीखना होगा कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑर्डर ओबे नहीं कर सकते तो आप इस दफ्तर में क्यों हैं? भैया सो रहे हैं का? लीजिए गोपाल भैया, थोड़ा सा दलिया खा लीजिए, अच्छा लगेगा। भाभी, उस दिन पढ़ाई शुरू नहीं कर सके ना, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा। आज पढ़ाई शुरू कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पढ़ाई लिखाई का बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई नहीं तो खाना भी नहीं। गोपाल भैया, काहे परेशान कर रहे हो? उस दिन देखा नहीं कैसी तबीयत हो गई थी तोहार? भैया, ये पढ़ाई लिखाई का बात करेंगे तो फिर उस दिन जैसे हो जाएंगे। होने दो, भाभी की पढ़ाई नहीं तो सेहत नहीं। का पगला गए हैं आप? थोड़ा सा पढ़ लो, सिर्फ इतना सा। वैसे आप बहुत ही जिद्दी हैं। अरे, कोई ना ही पढ़ना चाहिए तो आप उसे जबरदस्ती पढ़ाएंगे का? और फिर एक बात बताओ,
ये ऐसे पढ़ाई लिखाई का फायदा? आज आप पढ़ाएंगे, कल हम भूल जाएंगे। ऐसन का सारी जिंदगी भर पढ़ाओगे? आपकी जैसी भाभी हो तो मैं तो कई जिंदगी पढ़ा लूंगा। लो इका कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और एक जिंदगी ऐसी आएगी जब आप हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। सर ये मेरा इस्तीफा। बाहर में सिर्फ 10 मिनट बाद ट्राई कर लीजिए। हेलो साहब, अब तो भाई सब ठीक है ना? भाई ही एक्सपायर्ड, इट वाज इमिनेंट यू नो, एज ही वाज ऑन हिज लास्ट स्टेज। ओके कि नौकरी छूट गई, दोस्त भी चला गया, मस्त भी वेरी शॉकिंग, वेरी सैड सिचुएशन। हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। क्या करूंगा, कैसे होगा, कुछ नहीं जानता था। व्हाट अबाउट मिशन ज्ञान गंगा, वो भी गंगा जी में बह गया क्या? पहले तो ऐसा ही लगा कि वो गंगा जी में बह के ही रहेगा। उसके साथी लड़कों के भी हौसले पस्त हो गए थे। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे मतलब? अभी एकदम से क्या फैसला किया जा सकता है? जाना तो पड़ेगा ही, पूरी तैयारी हो चुकी है। सर, गोपाल सर के जाने के बाद ये काम काफी मुश्किल हो जाएगा। नहीं प्रमोद भैया, कुछ मुश्किल नहीं होगा,
क्योंकि गोपाल भाई साहब की नैतिक ताकत हमारे साथ है। वैसे भी अभी पोस्टपोन कर दिया तो फिर मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, फिर शायद मम्मी पापा जाने नहीं देंगे। देखो गोपाल हम सबकी मानसिक और नैतिक ताकत था, उसके बिना ये मिशन हम लोगों के लिए उतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। लॉजिक से, तर्क से बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग। अच्छा, तर्क तो यह भी कहता है कि गोपाल ने एक सपना बुना, उस सपने को हकीकत में बदलने से पहले ही वो हमारा साथ छोड़कर चला गया। अब ये बताओ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? उनके साथी होने के नाते उनके मिशन को आगे बढ़ाएं और उनके अधूरे काम को पूरा करें। फिर तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, और वो भी तयशुदा तारीख को। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले 5 लोग जाने वाले थे, अब केवल 4 ही जाएंगे। नहीं, अब भी 5 ही जाएंगे। पांचवां मैं चलूंगा। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ हुआ? हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप यहाँ अकेले नहीं पड़ जाएंगे? मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? कौन जगह? तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझोगी? कुछ नहीं। कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? हम कुछ बोल रहे हैं जी। आप अपने साथ हमें नहीं ले जा सके? ठीक है, कुछ दिनों के लिए हम अपनी माँ के घर चले जाएंगे। बेटा बात कुछ समझ में ना आ रही, और तुम ठीक से समझाए भी ना रहे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने दिनों को जा रहे हो, और बिटवा फिर एकदम से अचानक यूं का प्रोग्राम बन गया रहा कि ऐसे बगैर संदेशा दिए यहाँ आए गए रहे। बिटवा कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? या मीरा ने कछु कह दिया होए तो ऐसा वैसा तो हमका बतावा, ईगा तो हम ठीक कर दे। अरे नहीं बाबू, मीरा कुछ नहीं की, सब ठीक है। तो फिर बात का है बापू? हम नौकरी छोड़ दिया। ये काम में भी हमार मन नहीं लागत रहे, वैसे अब हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं वो जगह कैसन हुई ये हमें नहीं जाना था, यही खातिर हम मीरा को अपने संगे नहीं ले जा रहे हैं। मीरा कुछ दिन यहाँ रह जाइए तो मन बहल जाए, उसके बाद अम्मा बापू के पास गांव चली जाएंगे। वैसे हम बीच बीच में मिले खातिर आते रहेंगे। हाँ
ही है गोपाल भैया की अमाना, उनकी खातिर पढ़ना सीख लेना, गोपाल की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। वैसे ये किताबें तुमको हमारी भी बहुत याद दिलाएंगी। जब भी तुमको हमारी याद आएगी ये किताबें जरूर देखोगी तुम। ए, हम ठीक कह रहे हैं ना? हम चाह रहे हैं सर। ठीक है, 100 रुपए दे देंगे। ठीक है, लपेटिए। सर ये कुर्सियां भी देनी है? हाँ वहीं रख दो। सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, टीवी, पंखा, रेडियो, प्रेस, आप लेते हैं सामान? नहीं, वो बिजली की दुकान से एक आदमी आएगा, वो ये सब ले जाएगा। ठीक है सर। ऊपर रखो। ये सब क्या हो रहा है? अरे नालायक की औलाद, पहला घर छोड़कर भागा, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, खानदान और बिरादरी की नाक कटवाई दी, और अब बहू को मायके छोड़ दिया है, घर बार बेचकर सामान नीलाम करवाए रहे हैं। हाँ, खूब इज्जत बनाए रहे हैं हमरी, खूब। ये सब तो हर किया धरा है, हम का करी है। अब देखा तमाशा अपने कुलदीप का? हम सोचत रही दो ही चार दिन ठोकर खाई के अकल ठिकाने आई जाए, पर अभी लगे एक हाथ आई जाए अकल ठिकाने। अरे बहू का संबंधी के दरवाजे पे छोड़ दिया, अरे कुछ शर्म करी है कि नहीं? जाओ मई कैसे बहू को लेकर आओ और सीधे घर जाओ, कहीं और नहीं जाओ, समझे? जाओ भाई, हमका ये सामान नहीं बेचना है। जब रुकिए, आप ये सामान ले जाइए। बापू, हम आज तक आपके सामने मुंह ना ही खोले हैं, आप हमें मजबूर मत कीजिए। हमारा इरादा पक्का है, हम बहुत बड़े मिशन की खातिर जा रहे हैं, आप हमें अगर रोकना भी चाहेंगे तो हम ना ही रोकेंगे। तो अब आप कुछ नहीं बोलेंगे बापू, हमें हमारी जिम्मेदारी भी मालूम है और वो हम बखूबी निभाएंगे। अम्मा, मीरा की खातिर जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी फिक्र आप ना करें, ये वक्त तो हमें बहुत जरूरी काम है। अगर आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आप अपने इस बिटवा को माफ कर दें, ये हम जानते हैं। आज से तुम हमरे लिए मर गए। काना सना बोल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं आज से, अभी से तो का सब जमीन ज्यादा से बेदखल कर दिए हैं हम, सबका सब दान में दे दिए हैं, तो का एक ढीला नहीं दिए हैं हम, समझा के? आज से अपना मनु सूरत हमको दिखावे का नहीं। अरे ही उम्र में कलंक का टीका लगना था, सो लग गया। मुंह का देखा तो चला, चला ना होती तो अच्छा था हम। अरे हम क्या करी है, जिसका घर है उसको जाके दो, हमरी खातिर वो मर चुका है। इसी औलाद से तो हम बेऔलादे अच्छे हैं, पहला घर छोड़ा, फिर माँ बाप छोड़े, अब औरत छोड़ दिए हैं, अब पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा, कछु नहीं पता। अरे उधर टुकुर टुकुर का देखती हो, आओ बैठो, अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, बैठो, चला भाई, अरे हटा ना रास्ते से। क्या है भाई? चिट्ठी है। और सुनो ये ले लो। क्या मामला है साहब, बहुत गुस्से में थे? कुछ नहीं यार, इनके पिताजी से नाराज होकर चले गए, तुम चिट्ठी मुझे दे दो। ठीक है सर। चिट्ठी विजय, मेरा सामान भी निकालो। ठीक है सर। पहले गोपाल के कमरे में चलना है, सतेंद्र भी वहीं होगा, वहां से कुछ कागज और किताबें अलमारी से उठानी है,
चाबी मेरे पास है। जी सर, आप वहीं से सतेंद्र भाई साहब के साथ बस स्टैंड पहुंच जाइएगा, मैं घर से कुछ सामान ले आऊंगा सर। चलो भाई। सर आप नहीं होते तो मिशन शुरू नहीं हो पाता। गोपाल सर के बाद आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है सर। अरविंदर बेटा को आशीर्वाद। ये बतावा के लिए खत लिखते हैं कि तुहार पत्नी मतलब हमार मीरा बिटिया राम जी की कृपा से माँ बनने वाली है और अब तुहार बात देखत है। जल्दी आवे की कोशिश करना। तुहार ससुर हरिराम।